मर्जी वजन कम कर लू पर छोटा हाथी सुपर मेसी इज ऑलवेज। नो गाइस, शर्मिंदा नहीं करना है। पूरी जितनी मेरी एलवी शर्मा देख रही है, भाई को गाली नहीं पड़नी चाहिए। देखो हाँ, तुम कुछ भी करो। दोस्तों, केल्विश यादव ने अपने व्लॉग में फुकरा इंसान को एक्सपोज कर दिया है। तो हाँ, अभी कुछ टाइम पहले होता ऐसा है कि फुकरा इंसान की एक क्लिप बहुत वायरल जा रही थी, जिसमें वो कहते कि रोडीज का गैंग लीडर बनने का ऑफर आया था उन्हें, पर उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद एल्विश यादव को वो ऑफर मिला। तो एल्विश यादव वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसी बीच रोडीज के डायरेक्टर की तरफ से भी हेट देखने को मिली फुकरा इंसान को, जहाँ कहा गया बिग बॉस शो से आने के बाद दूसरे शो की रेस्पेक्ट करना सीखो। तो एक कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली थी। तो हाल ही में एल्विश यादव भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए, जिसमें रोडीज के डायरेक्टर भी थे उनके साथ, जहाँ वो क्या एक्सपोज किए आप भी देखिए। और मैं अभी देख रहा हूँ वैसे कि पराग भाई एकदम से सुर्खियों में आ गए। क्या करा पराग जी आपने, सुर्खियों में आ गए? मैंने एक सच्चाई बोला था जिसमें सच था, एक लाइन सच था, और नीचे का जो नाम लिया था वो आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, तो वो रेफर नहीं किया था, उसने रेफर नहीं किया था। एक सिंपल बात है कि अगर कोई आर्टिस्ट जो खुद एक शो पे आए थे, क्या वो किसी और को आने के लिए बोले कि इतना तो नहीं हो सकता? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एल्विश, खुद से और खुद का ही वो आया नाम, कोई और चाह रहा है कुछ अलग करने के लिए, बट आ रहे बहुत सारे नाम, आ रहे प्यार इतने सारे आ रहे ना गालियों में कुछ अलग टीम से। गाली खा रहे हो क्या? गाली खा रहे भाई, गाली नहीं खाने चाहिए, अपने बड़े भाई हैं। पूरी जितनी मेरी एलवी शर्मा देख रही है, भाई को गाली नहीं पड़नी चाहिए। देखो हाँ, तुम कुछ भी करो ठीक है, ये अपनी वो वाली बात होगी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं कीर्ति मेहरा को लेकर। तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कीर्ति मेहरा जब सीए दिवाली पार्टी में गई थी, तो वहाँ एल्विश यादव भी आए थे। तब ये कहा जा रहा था कि कीर्ति मेहरा टेंशन के लिए दिवाली पार्टी में आई है, तो उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। तो कीर्ति मेहरा एक प्रॉपर वीडियो बनाकर भी अपलोड की थी, जिसमें वो कहे कि हेटर्स तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, जिस वीडियो में कीर्ति गुस्सा भी हुई थी। तो कीर्ति मेहरा को अभी बॉडी शेम किया जा रहा है, जैसे स्नैपचैट पर कीर्ति मेहरा ने कुछ ये कहा लोगों के क्वेश्चंस पर, आप देखिए। पहली बात मैंने मांगी, दूसरी बात अगर तुम्हें लग रहा है मैंने मांगी है तो मत दो यार। क्यों गाइस, जितनी मर्जी पतली हो जाओ, जितना मर्जी वजन कम कर लूं, पर छोटा हाथी सुपर मेसी इज ऑलवेज। नो गाइस, शर्मिंदा नहीं करना है, वो तो भी नहीं सकते, पर यही लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। सो लव एग्जैक्टली गाइस, मतलब गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। मैं जितनों को भी जो भी है, गुड जॉब। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अभिनव अरोरा और रामभद्राचार्य जी को लेकर। जहां आपको पता होगा कि रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को स्टेज से नीचे उतरवा दिया था और डांटा था कि एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है ये। तो उसके बाद हाल ही में बहुत चीज के ऊपर रिप्लाई आया है, जो कहे कि FI उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, जहां वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो झूठ है। आगे अभिनव कहे कि वो वीडियो आज से 1.5 साल पुरानी है, 2023 वृंदावन का है वीडियो। आगे अभिनव कहे कि आपके माता पिता ने क्या आपको कभी नहीं डांटा, साथ ही क्या के गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने उन्हें डांट भी दिया, तो देश का सबसे बड़ा मुद्दे क्यों बनाया जा रहा है इस चीज को लेकर। आगे कहेगी किसी ने भी नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने अभिनव को डांटा था। तो अभिनव कहे कि आपके गुरु ने आपको 8 साल की उम्र में नहीं डांटा क्या, और क्या आपसे 8-9 साल की उम्र में कभी भी गलती नहीं हुई? दोस्तों, इस चीज को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हाल ही में देखने को मिला है कि अभिनव को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है और मारने की अब तो धमकी वगैरह भी आ रही है, जहाँ उनकी मदर काफी ज्यादा परेशान है इन सब चीजों को लेकर। बताया जा रहा है कि अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से भी धमकी आई है, जहाँ उनकी मदर ने खुद बताया है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपोगंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव मार दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।